जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग वीडियो लेकर। मैं दिल्ली भ्रमण कर ही रहा हूं, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। विशाल इससे पहले कई सारी वीडियो बना चुका है दिल्ली की, चोर बाज़ार की, कबाड़ी मार्केट की और लाल किला वगैरह, इन सभी चीज़ों की वो चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका है। अगर विशाल को नहीं जानते तो विशाल के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वो मेरा एक छोटा भाई है और उसी ने हमें बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो आप उसको जैसे मुझे प्यार देते हैं, उसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा। मैं आ हुआ हूँ फिलहाल में सीपी यानी सेंट्रल पार्क, जिसको कहा जाता है देश की धड़कन, देश का दिल। और अगर आप नहीं जानते हैं सेंट्रल पार्क के बारे में तो वो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आज। फिलहाल तो मैं पार्क के बारे में बताने वाला हूँ। पार्क में जैसे कि आज संडे का दिन है और संडे में सभी लोगों की मोस्टली छुट्टी रहती है ना, तो उस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कपल्स रहते हैं ना भाई, क्या कहने उनके, सबसे ज़्यादा अल्टीमेट, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग करने वाला जो पार्क है वो सीपी है। सीपी के बारे में इससे ज़्यादा और बताने वाला हूँ। सीपी में जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, जो शॉर्ट्स पे काम करते हैं, जो रील्स पे काम करते हैं, जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर जिनको बोलते हैं, जब बोला जाता है, तो वो सभी यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं। अजीबो गरीब तरीके से करतब करते हैं, अजीबो तरीके से यहाँ पर जो कंटेंट बनाते हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं और आपको पूरी चीज़ें आप दिखाने वाला हूँ, आइए। तो दोस्तों अभी मैं सेंट्रल पार्क पे हूँ, जैसे कि तो सेंट्रल पार्क का मैंने आपको बताया कि ये कपल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है टाइम स्पेंडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके टाइमिंग या लोकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। लोकेशन यहाँ रहने वाली है सीपी, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहता है यहाँ का राजीव चौक, और राजीव चौक से सीधे आएंगे आप सीपी के लिए। लेकिन फिलहाल मैं बताने वाला हूँ यहाँ की टाइमिंग के बारे में। सुबह को 7 बजे से यानी जाड़ों के समय में 7 बजे शुरू हो जाता है यहाँ पर, और शाम को लगभग 8 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। फ्री रहने वाला है ये पूरा पार्क, और गर्मियों में सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है इसका ओपनिंग, और शाम को यहाँ लगभग 8 बजे की इसकी टाइमिंग रहती है। तो अभी सेंट्रल पार्क के अंदर आ चुका हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गैदरिंग रहती है, बहुत ज़्यादा जो क्राउड रहता है वो कंटेंट क्रिएटर्स का, और जो टाइम स्पेंडिंग वाले लोग होते हैं, जैसे संडे रहता है तो वो अपनी जॉब से फ्री होकर के रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे पार्क का नज़ारा, कि किस तरह से यहाँ पर जो टाइम स्पेंड करते हैं लोग, संडे एंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ इस तरफ रहती हैं। देखिएगा ये सभी लोग मित्र लोग हैं, वो अपना टाइम स्पेंड किस तरह से कर रहे हैं। उस तरफ महिला मित्र हैं, उस तरफ भी आप एक बार देख सकते हैं, और इस तरफ देखेंगे तो कपल्स का भी पूरा एरिया इस तरफ से आपको दिखने वाला है। तो आगे चलते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो आपको शायद ही देखने को मिली हो इससे पहले वीडियोस में, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलता हूँ उस तरफ जहाँ पर जो पूरे कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं, पूरा हब बना हुआ है एक, और फ्लिपिंग है। तो यहाँ ये आप देख ही सकते हैं फ्लिपिंग किस तरह से यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये सभी जहाँ एक एक्टिविस्ट हैं, ये अपने कंटेंट बनाते हैं इस तरह से, ये जंपिंग वगैरह भी करते रहते हैं। ये देखिए कितने आसानी से इस बंदे ने जंपिंग कर ली। तो ऐसे ही बहुत सारे अद्भुत तरीके से जो जंपिंग वगैरह और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो करते रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि सॉन्ग राइटर होते हैं, सॉन्ग्स सिंगिंग करने वाले होते हैं, और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। तो उन सभी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लेना, और आप अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी ये सामने जो आपको लोकेशन दिख रही है, ये सेंट्रल पार्क की वो लोकेशन है जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर आपको नज़र आए हैं। तो यहाँ जो है एक मनीषा डांसर करके एक इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि यूट्यूब इंस्टाग्राम की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हस्ती हैं आज की डेट में। तो मनीषा डांसर यहाँ से, और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर निकले हैं जो कि सेंट्रल पार्क की इस लोकेशन से आपको देखने को मिले होंगे। ये वो वाली लोकेशन है। तो यहाँ से देखिए सामने एक भैया हैं, वो भी अभी यहाँ पर रील्स बना रहे हैं। यहाँ से कुछ पता नहीं है सेंट्रल पार्क से कि कौन कब कहाँ किसका चमकता सितारा बन जाए कोई इस दुनिया में। तो यही है
सेंट्रल पार्क की खासियत, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटेंट क्रिएटर्स की ये पूरा सेंट्रल पार्क भरमार है। तो अभी इस तरफ आप देखेंगे ना, वहाँ जो रेलिंग लगी हुई है तो उस तरफ भी पार्क बना हुआ है, और उस पार्क के जो पास ही में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उस तरफ भी अभी चल रहे हैं। आइए दिखाते हैं वहाँ का भी। लोग खड़े हुए थे वहाँ पर, ब्रिज बना हुआ था, तो वहाँ पर मैं आ चुका हूँ और इसी ब्रिज पे मैंने चलना अभी शुरू कर दिया है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको, बस जैसे कि कंटेंट बना रहे हैं यहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए बस ब्लॉग वीडियो में, देखिएगा यहाँ पर कितना क्राउड रहने वाला है, जैसा कि मुझे अभी दिख ही रहा है यहाँ से। तो अब आप भी ये देख लीजिएगा, ये देखिए, तो यहाँ ना सारा जो एरिया है, ये जो पूरा पूरा का पूरा एरिया आपको इसी चीज़ से भरा मिल जाएगा जो कि कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। तो यहाँ से ना अभी वो देखिए सामने, उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है लोग कुछ करतब कर रहे हैं, और इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ जो सॉन्ग क्रिएटर्स हैं वो सब मिलेंगे आपको देखने को। सुन रहे हो दोस्तों किस तरह से यहाँ जो बॉलीवुड के म्यूज़िक गाने होते हैं उन पर ये लोग अभी बना रहे हैं वीडियोस। तो ये सभी ना म्यूज़िक बैंड है एक तरीके का, और इस बैंड को आप सुनिएगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलने वाला है आपको इसे सुन करके। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरह से यहाँ बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स होते हैं उन पर ये सभी अपना एक अलग अंदाज में उसको सिंग कर रहे हैं, उसको गाना गा रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी अभी आगे चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से अभी और देखिएगा, इस तरफ भी कुछ जो सॉन्ग वगैरह है उसका शायद शूट चल रहा है, वो भी देख लीजिएगा। तो अभी थोड़ा और आगे चलता हूँ, यहाँ मैं आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि इंडिया में ट्रेंडिंग पे रहती हैं। और यहाँ से ना पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ सोशल मीडिया पे आज की डेट में राज कर रहे हैं। ये जैसे कि देखो, ये बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से पूरा रिएक्ट कर रहे हैं और पूरा एक्ट कर रहे हैं, ये देखिएगा। ये बिल्कुल अलग अंदाज है भाई का एक वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ सेंट्रल पार्क का नज़ारा, सेंट्रल पार्क यानी सेंट्रल पार्क और कनॉट प्लेस दोनों को ही मिक्स करके सेंट्रल पार्क बोला जाता है इसको। तो यहाँ से और आगे चलते हैं, ये देखिए सभी लोग ना दर्शक बने हुए हैं यहाँ पर, इन सभी कंटेंट क्रिएटर्स का जो कंटेंट बनाते हैं ना लोग, तो उन सभी को यहाँ से बैठ करके वॉच कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट विजिट है सीपी की। तो आप लोगों से यही आशा करूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ, और आपका प्यार, आपका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है ना, मेरे चैनल को मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और ये पूरा वीडियो आप देखते रहिए, ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, जो ब्लॉग्स होते हैं, जो जगह जगह पर जा करके मैं विज़िट करता हूँ, उन चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ घर बैठे। तो बस आप लोगों से इतनी ही अपेक्षा करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम से ही हमारा अकाउंट बना हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए।
तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कितने YouTube कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितने सोशल मीडिया जो बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सभी यहाँ पर अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं। और पब्लिक का तो आप देख ही सकते हैं कि उनका क्या क्या रिएक्शन यहाँ पर रहता है इन सभी को देखने के बाद। जैसे कि उस तरफ अभी देख रहे होंगे तो यहाँ बहुत सारी जो भीड़ लगी हुई है केवल इनके कंटेंट को देखने के लिए। बहुत ये पॉपुलर भी रहते हैं। और यहाँ से अभी मैं सीपी पे खड़ा हुआ हूँ, तो सीपी से यहाँ इस तरफ मैं चलूँगा, यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ ना फवारा भी लगा हुआ है जो कि अभी फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन ये चलता रहता है कभी कभी, तो उस चीज़ के लिए भी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, ये भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और ये एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, तो ये भी कुछ तरह से ऐसा रहता है। यहाँ पर देखिएगा इस तरफ, तो यहाँ गैदरिंग कितनी देख रहे हैं, अभी संडे का दिन है, संडे का दिन है और संडे में आप देख ही सकते हैं कि कितनी पब्लिक, क्योंकि फ्री रहती है। तो ये भैया, ये कई बार मुझसे कह चुके हैं मैं फेमस होना चाहता हूँ। भैया आप नाम बताओ पहले तो। भाई आदर्श नाम है। आदर्श। आदर्श कहाँ से हो भाई? दिल्ली से। दिल्ली से क्या करते हो भाई? चोरी। चोरी? हाँ। चोरी करके फेमस हो गए यार? नटवर लाल बन हो गए क्या? हाँ भाई, हाँ। दोस्तों अभी मैंने पूरा ये सेंट्रल पार्क का जो पार्क है वो घूम करके आपको दिखा दिया है कि कहाँ 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 क्या होता है और कैसे कैसे यहाँ पर लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैग जो कि भारत का गर्व है, भारत का गौरव है, तो इसी के आसपास इर्द गिर्द जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यानी इस तरफ की तरफ मैं गया था, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो कि अपने अपने करतब दिखा रहे थे, अपना अपना कंटेंट बना रहे थे, बहुत ही अलग अलग तरीके से, कुछ सिंगिंग कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ अपना अलग ही अतरंगी तरीके से उसको वीडियो क्रिएट कर रहे थे। तो अभी ये पूरा पार्क मैं घूम चुका हूँ और इस तरफ अगर हम आएँगे तो यहाँ इस पार्क का एंड हो चुका है अभी। तो यहाँ से ना सामने अगर आप देख रहे होंगे इस तरफ, तो ये मार्केट शुरू हो जाती है सीपी की, जो कि मेन मार्केट कही जाती है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे बार, बहुत सारे कैफ़े, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ब्रांडेड दुकानें हैं, वो सारी ना यहाँ पर ही स्थित हैं। और यहीं से चीज़ें जो खरीदी जाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ब्रांडेड चीज़ें आप खरीद सकते हैं यहाँ से, वो सारी इस तरफ रहती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऑटो वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आपको मेट्रो तक जाना है राजीव चौक तक, तो यहाँ से जा सकते हैं और मेट्रो से आना जाना अपना कर सकते हैं। तो ये है सारी चीज़ें। आज आप लोगों को मैंने ये पूरा पार्क सेंट्रल पार्क का घुमा के दिखाया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ज़रूर। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूँ कि इसकी टाइमिंग जो रहती है, सुबह अगर गर्मी का मौसम है तो 6 बजे से लगा के रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। फ्री इसका एंट्री है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता। पार्किंग वगैरह भी सभी अवेलेबल है इसके आसपास में ही है। और जो पार्किंग एरिया बना हुआ है तो वो बाहर की तरफ बना हुआ है, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप पार्क कर सकते हैं, अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं, कार पार्क कर सकते हैं, स्कूटी पार्क कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस तरफ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज पूरा पार्क घुमा दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।